السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له اخرجه الامام احمد في مسنده وساه الشيخ الباني رحمه الله محترم حاضرين معزز سامعين वनादरीन दीनी मिली भाइयों परदा नशीन इस्लामी बहनों अल्लाह तबारक ताला के हम तमाम इंसानों के ऊपर बेशुमार इनामात और एहसानात हैं और उन इनामात और एहसानात में से एक बड़ा एहसान ये भी है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे ऊपर सफ़त व मोहब्बत का मामला करते हुए साल में कुछ ऐसे मौसम और सीज़न अल्लाह तबारक ताला लाता रहता है कि उन मौसम और सीज़न में हम बहुत सारे आमाल साल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें और वो अमल हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो सके अभी माजी करीब में रमज़ान का बाबरकत महीना रखसत हुआ बहुत सारे आमाल साल हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए कि उन आमाल साल को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमारे और आपके गुनाहों का कफ़ारा बनाए रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ शवाल का महीना शुरू हुआ और शवाल का महीना ख़त्म हो होकर के अफज़ुल्कदा का महीना शुरू हो चुका है शवाल ल्क और जुलज़ा के इब्तायी अयाम ये वो हैं जिन्हें असुर हज के नाम से जाना जाता है कि इन अयाम में एक इंसान इस्लाम के पाँचवें रुकन हज बैतुल्ला की अदायगी के लिए रखते सफ़र मांगता है और हम सबको मालूम है कि हज ये इस्लाम के जो पांच पिलर्स हैं इस्लाम के जो पांच अरकान हैं उन पांच रुकनों में से एक रुकन हज बैतल् है और ये हज किन पर वाजिब है वो इंसान जो अक्लमंद हो बालिग हो मुसलमान हो आजाद हो और हज करने की माली और बदनी ताक़त मौजूद हो तो ऐसे इंसान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ होता है इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम की सूर इमरान की आयत नंबर नाइन्टी सेवन जिसमें अल्लाह तथ फरमायाबीलामीन अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ़ राह पा सकते हों, जो हज करने की ताकत रखते हों अल्लाह ताला ने उन पर हज फ़र्ज़ क़रार ठहराया है और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला सारे जहान से बेनियाज है यानी एक इंसान अगर हज की ताकत रखने के बावजूद हज की अदायगी में सुस्ती और काहली से काम लेता है हज नहीं करता है तो एक तरीके से देखा जाए तो उस फ़रीदे का वो इनकार कर रहा है तो वो इनकार करके वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है वो नुक़सान अपने आप को पहुंचा रहा है और अल्लाह ताला सारे जहान से बेनियाद है उसके करने ना करने से अल्लाह ताला की ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता है तो हज किन के ऊपर फ़र्द है वो मैंने बयान किया ये हज जो अल्लाह तबारक ताला साल में एक बार लाता है अल्लाह ताला को हमारे अमल की ज़रूरत है अल्लाह ताला हमारी इबादतों का मोहताज है, नहीं है लेकिन चूंकि अल्लाह ताला करीम है अल्लाह ताला मेहरबान है अल्लाह ताला शफीक है और जानता है कि मेरे बंदों से मेरी बंदियों से इंसान होने की बुनियाद पर बशरी तकादे की बुनियाद पर बहुत सारी गलतियां, खामियां हो जाती हैं तो ये मौसम में ले आ रहा हूँ ये हज जैसे हम फरीज़े की अदायगी कर लेंगे तो उनके उन बहुत सारे ख़ताओं का गुनाहों का ये अमल कफारा हो जाएगा और इसीलिए नबी करीम सल्लाम की वो हदीस जो सही बुखारी किताबुल हज में है कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फ़रमाया मन हजल फलम यरफुस वफ़सुक् रजोमी वलदत उम्म कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना उसने कोई फ़हश बात दौरान हज उससे हुई और ना ही कोई गुनाह का काम हुआ तो वो हज करके जब वापस लौटता है तो गुनाहों से ऐसे ही पाको साफ़ होता है जैसे उसकी मां ने अभी उसको जना है तो ये हज ये इंसान के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है ये वो हज है कि सोनंतरमि की हदीस जिसे इब्ने मसूद रजी अल्लाह ने रवायत किया है और इमाम इस हदीस को किताब मनासिक्क़िल हज में ज़िक्र किया है फ़रमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने फ़रमाया अल हज वुम्रा كما नुमा फ़ियानफ़्र خبث الحديد अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं पे दर पे तुम हज उमरा करते रहो हज उमरा करते रहो उसका बेनिफिट क्या होगा उसका फ़ायदा क्या होगा आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा रहे हैं फ़ैन व जनूम हज और उमरा करोगे आज के इस महंगाई के वक्त में अगर आप हज हाउस से भी जा रहे हैं तो चार लाख लग रहा है टूर से जा रहे हैं छः आठ दस लाख रुपये लग रहे हैं ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हज करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये हज पैसा ख़र्च करना इन्वेस्ट करना आपका रायगा होगा उसका बेनिफिट उसका फ़ायदा उसका समरा आपको दुनिया में भी मिलेगा और उसका फ़ायदा आपको आख़रत में भी मिलेगा दुनिया के अंदर फ़ायदा क्या है फ़ैन हम फ़ियानफ़्र हज और उम्र ये इंसान से फ़कर व फाक़ा को दूर करता है आपने अकाउंट से पांच लाख रुपए निकाले अकाउंट में तो दिख रहा है कि पांच लाख रुपए आपका पचास लाख था अब बैलेंस फोर्टी फाइव लाख बता रहा है यानी पांच लाख कम तो दिख रहा है लेकिन हकीक़त में वो कम नहीं हो रहा अल्लाह ताला उस माल में बरकत का फरमाता है और कितने ऐसे भाई जो हज करने के लिए गए जब हज करके लौटे तो कहा कि मौलाना मैं और सालों में जो हमारा टर्न ओवर होता था जो इनकम होता था जब हम मियाँ बीवी हज करने के लिए आए और जब लौट करके गए तो उस साल प्रॉफिट हमने उससे पहले सालों से कहीं ज़्यादा हुआ और मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि भाई ये पैसा आया कहाँ से तो ये चीज़ क्या है फ़ैन हम फ़ियान फ़कर अगर आप फाका का डर है कि हमारे अकाउंट से इतना पैसा कम हो जाएगा और यह कि तंगदस्ती आ जाएगी तो हरगिज़ नहीं तंग दस्ती और फ़कर व फाका ये हज करने से दूर होता है माल में बरकत होती है ये दुनियावी फ़ायदा है उखरवी फ़ायदा ये है कि जब इंसान हज करता है तो ये हज इंसान के गुनाहों का कफारा होता है गुनाहों को ये हज ये मिटा देता है गुनाहों का कफारा हो जाता है तो जाहिर सी बात ही उखरवी फ़ायदा है अगर हज करने से इंसान के गुनाह मिटा दिए गए तो मरने के बाद उसका ये अमल उसको जन्नत में ले जाएगा या जहन्नम में ले जाएगा जन्नत में ले जाएगा तो ये उखरवी फ़ायदा हुआ आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कमा यनफिल कीरो रो हदीद जिस तरीक़े से लोहार की जो भट्टी होती है जब उस भट्टी के अंदर ये लोहा डाला जाता है जो जंग लगा हुआ होता है तो जिस तरीके से लोहार की भट्टी उस जंग को जला देती है और खालिश लोहा बाहर आ जाता है ऐसे इंसान जब हज और उमरा करता है तो हज उमरा करने से इंसान से जो गुनाह होते हैं उन गुनाहों का ये हज और उमरा ये कफ़ारा हो जाता है ये वो हज और उमरा है कि जब एक इंसान मीकात पे पहुंचता है फ्लाइट मीकात से गुज़रती है और ऐलान होता है कि आपकी फ़्लाइट मीकास से गुजर रही है आप लोग हज या उम्रा की नीयत कर लीजिए जब इंसान नीयत करता है और नीयत करने के बाद जब वो तलबिया के कलमात अपनी ज़ुबान से पुकारता है लबिकलाब्बैक लबिक ला शरीकब्बैक इनहमद वन लक मुल्क ला शरीक तो जब ये कलिमात तलबिया के अपनी ज़ुबान से दोहराता है बार बार अदा करता है तो नबी करीम वसल्लम की सुनन इब्ने माजा की वो सही हदीस जिसे अल्लाह लालबानी रमोल ने सही तरगीब वन वन जीरो एट में सही करार दिया है फरमाते हैं कि मा मिन मुस्लिम यू इल्ला लब्बा मन अन शजरिन आओ मै जरी हन अल्दा هنا وها هنا कि जब एक मुसलमान तलबिया पुकारता है तलबिया के कलमा ज़ुबान से अदा करता है तो उसके दाएँ उसके बाएँ जो मखलूक़ हैं हती कि ये दरख्त ये पत्थर ये गाँव ये बस्ती जिस सिटी जिस शहर से वो गुज़रता है कायनात की ये सारी मखलूक़ उस हाजी और उस उमर करने वाले के साथ जो तलबिया पुकारता है ये सारी कायनात और इस कायनात के ये मखलूक़ ये इंसान ये हैवानात ये जमादात ये सदर ये हजर सब के सब तलबिया पढ़ते हैं लब्बिक्लाब्बैक लब्बिक ला शरीबैक इहमदा वन मचा लक मुल्क ला शरीक लक तो ये कितनी बड़ी मनकबत और फजीलत की बात है कि आप तलबिया पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपके इस हज और उमरे की गवाही ये कायनात की वो मखलूकात जो जमादात हैं ये पहाड़ ये दरख्त जमादात ये सजर ये हजर ये सब के सब आपके हज और उमरे की गवाही देते हैं तो ये हज और उमरे की फजीलत है इसी तरीके से हज और उमरे की फजीलत ये भी है कि इब्ने माजा की वो हदीस जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल <Sans> गाजी वल वलम तमिर वफदल्ला दाहुम الله دعاهم فاجابوه वस अलू कि ये अल्लाह के रास्ते में गजवा करने वाला एक इंसान हज और उम्रा करने वाला ये वो लोग हैं जो ये अल्लाह के मेहमान होते हैं ये जयूफर रहमान होते हैं अल्लाह ताला ने इन्हें बुलाया ये हज के लिए पहुंच गए उम्र के लिए पहुंच गए तो ये जब अल्लाह के मेहमान होते हैं जब ये अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआएं पूरी फरमा देता है इनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है और इनकी हाज़ात और ज़रूरियात को अल्लाह ताला पूरी फरमा देता है ये सोन इबिन माजा सही तरगीब 1108 ज़ीरो एट ये हदीस है और इससे पहले जो हदीस बयान की गई थी तलबिया वाले की कायनात की सारी मखलूक़ात उसके साथ तलबिया पुकारती हैं वो हदीस सोन तिरमज़ी की है हदीस नंबर एट टू एट आठ सौ नंबर तो कहने का मतलब ये है कि ये हज और हज के ताल्लुक से हज की जो फ़जीलत है जो अहमियत है उसका जिक्र आपके सामने किया गया नबी करीम वसल्लम ने फरीद हज की अदायगी के ताल्लुक से उम्मतियों को उभारा है और कहा है कि इलल हज यानी ला यदरी मा मादोला हमारे वो भाई जो फरीद हज के अदायगी में डाल मटोल करते रहते हैं अभी ये प्रोजेक्ट हमारा बाकी है अभी बच्चे की शादी बाकी है तो अभी सुपरमार्केट बाकी है अभी बिल्डिंग बाकी है अभी ये बाकी है अभी वो बाकी है और हज उनके ऊपर बरसों पहले फ़र्ज हो चुका है सेहतमंद है इंसान अरबों की प्रॉपर्टी है हज कभी फ़र्ज हो चुका है लेकिन हमेशा 2023 आया 2024 में कर लेंगे 2024 आया 2025 में कर लेंगे तो ऐसे लोगों के बारे में नबी करीम वसल्लम क्या फ़रमाया कि ताज्जलु इलल हज फरीज हज की अदायगी में जल्दी करो क्यों जल्दी करो ला यदरी मा दौला इसलिए कि तुम में से किसी इंसान को ये नहीं मालूम है कि उसके सामने कौन सा आर्जा पेश आ जाए कौन सी ऐसी चीज़ पेश आ जाए कि जिसकी बुनियाद पर वो हज करने से कासिर रह जाए हज ना अदा कर सके और हम और आप अपनी अमली ज़िंदगी में हम इसका मुसाहदा करते रहते हैं कि एक वो इंसान जो पिछले साल हमारे दरमियान मौजूद था उसने इरादा किया था कि 2023 में हम हज करेंगे लेकिन अचानक अटैक आया दुनिया से रुखसत हो गया एक इंसान किसी हादसे का शिकार हो गया आनबेड हो गया चल फिर नहीं सकता है एक तीसरा इंसान जो अरबों का मालिक था लेकिन साल गुजरे किसी तरीके से उसके तजारत बिजनेस दिवालिया हो गया वो एक रुपए का मोहताज हो गया तो ये जो हज करने में टाल मटोल होता है वो इंसान को टाल मटोल नहीं करना चाहिए क्यों इसलिए कि अभी 2023 में हम जिंदा हैं 2024 के लिए हमने हज को टाल दिया है 2024 क्या हम और आप यहाँ बैठे हैं एक सांस जो हम बाहर हमारी सांस जा रही है दोबारा उस सांस को बाहर हम ले सकें या ना ले सकें कोई गारंटी नहीं है ये पलक जो हम आँख से हम देख रहे हैं ये मुमकिन है कि मलकल मौत इससे पहले आ जाए कि हमारी पलक झपक सके आ सकती है मौत ना आज हम सेहतमंद हैं और हज को हम 2024 के लिए डाले हुए हैं हो सकता है कि किसी ऐसे डेंजर बीमारी के शिकार हो जाएं कि इंसान आनबेड़ हो जाए चलने फिरने से मजबूर हो जाए आज पैसा है माल है जायदाद है आने वाले 2024 में हो सकता है कि तजारत और कारोबार का दिवालिया ऐसा कुछ हो जाए कि इंसान एक रुपए का मोहताज हो जाए इसलिए मेरे दीनी भाइयों और मेरी बहनों हज ये ऐसा फरीदा है कि जब आपके यहाँ इस्तात पाई जाए सेहत आपको अल्लाह ताला ने दिया है पैसा आपको दे दिया है और अगर औरत है उसके लिए तीसरी यह है उसके साथ उसका कोई महरम हो तो हज ये ऐसा फरीदा है ये फौरी तौर पर वाजिब हो जाता है उसमें टाल मटोल की कोई गुंजाइश बाक़ी नहीं रह जाती है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी अता कताफ़रमा किसी तरीके से कबीर तबरानी के अंदर वो रवायत हज के ताल्लुक से मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा महल मुहल्ला इल्ला वब्बर मुकबर या रसूल अल्लाह बिल बिलजन् काला नाम अल्लाह के रसूल सल्लासम ने फ़रमाया कि जब एक तलबिया पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता तलबिया कौन पढ़ता है हज करने वाला उम्र करने वाला ना कि आप नमाज पढ़ने के लिए आते तलबिया पढ़ते हैं हज करने वाला तलबिया पढ़ता है तो जब एक तलबिया पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है लब्बैक और जब एक तकबीर कहने वाला अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करने वाला जब तकबीर कहता है तो उसे बशारत दी जाती है खुशखबरी सुनाई जाती है साहब कराम रिदवान इस हदीस को सुन रहे थे वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं बिल जन्ना अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् खुशखबरी किस चीज़ की सुनाई जाती है जन्नत की अल्लाह के रसूल स्थाल वसल्लम ने फरमाया कि नाम जी हाँ जन्नत की बशारत और जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है तो जब हज और उम्र करने की बुनियाद पर जन्नत की बशारत दी जा रही है तो उस जन्नत के हुसूल की हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए ना, लेकिन हमारा और आपका मामला हमारे मुआशरे और समाज का मामला कुछ उल्टा है किसी शायर ने कहा है वह अमल आखिरती का अन् का तयश व अबदा व अमल दुनिया का 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 तमूत हदन कि दुनियावी जो आपकी प्लानिंग हो दुनियावी प्लानिंग ऐसी हो कि आपकी मौत कल आने वाली है दुनिया की प्लानिंग बड़ी मुख्तसर होनी चाहिए ये समझो कि कल हम मर जाएंगे और आखरत की जो प्लानिंग हो आपकी वो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए तीशो अब अदा कि आख़रत में तो आपको हमेशा हमेशा रहना है वल आखिर तो खैर अब का आखरत की जो उखरवी ज़िंदगी है यही तो बाकी रहने वाली है और उसी के अंदर तो खैर है तो ये कुरान कहता है ये शरीयत हमें इस बात का दर्श देती है लेकिन हमारा और आपका मिजाज ये है कि नहीं दुनिया ही सब कुछ है, है कि नहीं दुनिया ही सब कुछ है तो एक मोमिन के लिए ये चीज़ जेब नहीं देती है मोमिन को हमेशा आखरत की फिक्र होनी चाहिए दुनिया की फ़िक्र के मुकाबले में आख़रत की फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए तो बहरहाल ये चंद चीज़ें हज की फजीलत और उसकी अहमियत के ताल्लुक से आपके गुज़ार की गई अब इसके बाद में हज और उमरे का तरीक़ा जो हमारा मौजू है उस पर हम आते हैं हमारे यहाँ से इंदोपा और दूसरे ममालिक से जो लोग हज बैतल्ला के लिए जाते हैं आम तौर से इंसान हज तमत्तो करता है आम तौर से इंसान हज तमत्तो करता है और हज तमत्तो ही अफसल और बेहतर है तो हज तमत्तो का तरीक़ा हम आपके सामने इस दरस में रखेंगे और हम सब को मालूम है कि जो इंसान हज तमत् करने के लिए जाता है वो सबसे पहले उम्र की नीयत करता है मक्का पहुँच करके उम्र करके अपना अहराम खोल देता है आम लिबास में हो जाता है फिर आठवीं दिल्हज़ा को जिस बिल्डिंग में जिस होटल में रहता है वहीं से नहा धो कर के अहराम पहनता है और हज की नीयत करता है तो हम सबसे पहले उम्र का तरीका आपके सामने हम बयान करेंगे उम्र का तरीक़ा बयान करने से पहले ज़रूरी यह है कि उम्र की अदायगी से पहले इंसान अहराम पहनता है और अहराम पहनने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें मसनून हैं जिसे एक इंसान को करना चाहिए मसनून और सुन्नती है है अहराम पहनने से पहले चाहे मर्द हों या औरत हों कि अपने नाखून को काट लें गैर ज़रूरी बालों को साफ कर लें उसके बाद ये है कि ल कर लें गसल करने के बाद मर्द हजरत हैं तो मर्द हजरात अपने जिस्म पे खुशबू लगा सकते हैं लेकिन औरतें अपने जिस्म पे खुशबू नहीं लगाएँगी मर्द हजरत गसल करने के बाद अहराम की दो चादरें वो पहन लें एक चादर जिसे वो तहबंद की शक्ल में पहन लेंगे और एक दूसरी चादर जिससे वो अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को ढक लेंगे जैसे आम चादर आप ठंडी वग़ैरह में डालते हैं ये मर्दों का अहराम हो गया औरतों के लिए अहराम की कोई ख़ास लिबास नहीं है उनका आम जो ड्रेस वो सलवार कमीज पहनती हैं सीधे साधे तरीके से जाजिब नज़र ना हो उसके अंदर चमक दमक ना हो डिकोर ना हो सादा लिबास जो पहनती हैं वही सलवार कमीज़ वही उनका एहराम है उसके लिए तरह कोई ख़ास एहराम के कपड़े उनके लिए नहीं हैं अब ये चीज़ें जब इंसान ने पहन लिए अब ज़ाहिर सी बात है उसको जो आपको पहनना है आप अपने घर से भी पहन सकते हैं आप एयरपोर्ट पर पहुंच करके भी पहन सकते हैं और चूंकि फ़्लाइट में उन चीज़ों का पहनना ज़रा दुशवार गुजार होता है तो आपको अख्तियार है आप आसानी चाहे अपने घर पहन लें चाहें तो एयरपोर्ट पे पहन लें बहरहाल इस तरीके से आपने अहराम पहन लिया अब अहराम के पहनने के बाद में कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिन्हें ममनूआत अहराम के नाम से जाना जाता है ममनूआत अहराम यानी अहराम पहनने के बाद में अब इन चीज़ों का करना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है लेकिन ये पाबंदी कब आपके ऊपर लागू होगी ये पाबंदी अभी आपने बंबई में आपने महाराष्ट्र में आपने यूपी में आपने एम में आपने कश्मीर में आपने फला जगह अपने घर से अपने एयरपोर्ट से पहन ली है वहाँ से ये पाबंदी आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है ये पाबंदी कब आपके ऊपर लागू होगी जब फ्लाइट में ऐलान किया जाएगा कि हु कराम जो लोग हज करने के लिए उम्र करने के लिए जा रहे हैं अभी दस मिनट के बाद पाँच मिनट के बाद मीकात आने वाला है और हम लोगों का मीकात यलमलम है क्या है यलमलम है तो जब फ़्लाइट में ऐलान हो कि क़राम, अब आप लोग आपकी फ़्लाइट मीकात से गुज़रने वाली है आप लोग हज या उमरे की नीयत कर लीजिए तो जब आप वहाँ कहेंगे लब्बिक क्योंकि आप तमत् करने के लिए जा रहे हैं तो आप उम्रा की नियत करेंगे कहेंगे लब्बिकमर या अलबिक उम्र अब जब आपने ये नीयत कर ली उम्र की तलबिया आप पढ़ना शुरू कर दिए तो अब यहाँ से अहराम की पाबंदियाँ लागू हो गई जिसका जिक्र मैं भी करूँगा और ये पाबंदी उस वक्त तक आपके ऊपर रहेगी जब तक आप मक्का पहुँच करके तवाफ ना कर लें सही ना कर लें और अपने सर के बाल को कटा लें या सर के बाल को हलक न करवा दें और एहराम खोलना दे जब तक ये पाबंदियाँ हैं इन पाबंदियों की आपको रियायत करनी है तो अहराम की हालत में जो पाबंदियाँ हैं वो कहाँ से शुरू होंगी <स्यास> निकास से फ्लाइट में जब ऐलान होगा वो पाबंदियाँ क्या हैं जब तक आप की हालत में आपका उम्र नहीं हो जाता है मियाँ बीवी अपने ताल्लुक एक दूसरे से कायम नहीं कर सकते हैं इंटरकोर्स हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं दूसरी पाबंदी ये है कि जब तक अहराम आपका खुल नहीं जाता है उस वक्त तक ना तो इंसान ख़ुद अपना निकाह कर सकता है ना निकाह का पैगाम दे सकता है तीसरी पाबंदी है ये मर्द औरत सबके लिए है कि अहराम की हालत में आप सर के बाल नहीं काट सकते हैं आप नाखून नहीं काट सकते हैं चौथी पाबंदी ये है कि खुश्की के जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं पांचवी पाबंदी जो है ये सिर्फ़ मर्दों के लिए है मर्दों के लिए है कि अहराम पहनने के बाद जब मीकास से आपने उम्र की नीयत कर ली तो अब उसके बाद में किसी भी किस्म का सिला हुआ कपड़ा ये मर्द हजरात नहीं पहन सकते हैं सिले हुए कपड़े में अंडरवियर है बनियाइन है तो ये सब चीज़ें क्या है यह सब सिले हुए कपड़े हैं तो सिले हुए कपड़े ये मीकास से उम्र की नियत करने के बाद में ये मर्दों के लिए नाट अलाउड मर्दों के लिए अलाउ नहीं है जायज़ नहीं है इसी तरीके से मर्दों के लिए एक छठी पाबंदी ये है कि मर्द हजरात मीकास से जब उन्होंने उम्रा की नियत कर ली जब तक कि अहराम उनका खुल ना जाए उस वक्त तक वो अपने सर को किसी चीज़ से ढक नहीं सकते हैं अब सर पे चाहे आप टोपी लगा लें सर पे आप पगड़ी बांध लें या फ्लाइट में बैठे हुए हैं कंडीशन ज़्यादा हवा ठंडा है या बस में बैठे हैं अब आप ऊपर से कोई चादर डाल लें किसी भी तरीके से आप अपने सर के बाल को ढक नहीं सकते हैं ये कौन लोग होंगे सिर्फ़ मर्द हजरात औरतें नहीं औरतें दुपट्टा साइड में कर दे कि मुली साहब ने कहा था कि सर नहीं ढक सकते हैं तो ये औरतों के लिए नहीं किसके लिए है ये मर्दों के लिए सातवीं पाबंदी जिसका ताल्लुक़ खवातीन से है कि खवातीन ये उम्र की नीयत जब मिकास से कर लेंगी जब तक कि हराम खुल ना जाए वो हाथ में दस्ताने नहीं पहन सकती हैं और ना ही नकाब जो नोसपीस होता है ये लगा सकती हैं अल्लाह के रसूल फरमाया फरमाल्ला तन तकबिलमर आ वाला तल तबिसफ़ाज़इन कि औरत नकाब ना इस्तेमाल करे और ना ही दस्ताना पहने हाथ में औरतें दस्ताना पहनती हैं ना अहराम की हालत में दस्ताना नहीं पहन सकती हैं नोज़ पीस की शक्ल जो होती है इस तरीके से इसको भी नहीं कर सकती हैं यह है कि अजनबी मर्द हैं सामने हैं तो सामने चेहरे पे दुपट्टा वगैरह डाले रखेंगी ताकि अजनबी मर्दों से पर्दा हो सके तो ये पाबंदियाँ हैं जो अहराम की हालत में हर मर्द औरत को जो हज या उम्रा के लिए गए हूँ उन्हें इन पाबंदियों की रियायत करनी है बात इतनी समझ में आ गई अब इसके बाद में हम आपको उम्रा का तरीका बताते हुए चलते हैं कि उम्र कैसे किया जाए उम्रा के ताल्लुक़ से सबसे पहली चीज़ ये है कि उमरा के अरकान क्या हैं जान ले उम्र के अरकान क्या हैं तो उम्र के तीन रुकन हैं रुकन ऐसी चीज़ है कि इसके छूट जाने से इंसान का उम्र नहीं होगा उसको दोबारा फिर उम्र करना होगा और वाजिब जो चीज़ है थी, वाजिब वाजिबात उम्र जो है अगर वो चीज़ छूट जाए तो उसके छूटने पर इंसान दम दे दे दम यह है कि मक्का में एक बकरी ज़बह करके और उसका गोश्त वहाँ के फ़करा मसाकिर में तकसीम कर दे तो वाजिब जो छूट गया है वो जो कमी हो गई है उसकी तलाफ़ी हो जाएगी और उसका उम्र दुरुस्त हो जाएगा तो उम्रा के अरकान कितने हैं तीन हैं पहला रुकन यह है कि किराम मीकात से उम्रा की नीयत करना मीकात से उम्रा की नियत करना नुस्क इस इबादत में दाखिल होने की नीयत करना जो आप कहते हैं लब्ब उमरा या अब एक उम्र ये पहला रुकन है दूसरा रुकन ये उमरे का है तवाफ जब आप पहुँचेंगे तो आप तवाफ़े कदूम करते हैं और तीसरा रुकन असई बिन सफा वमरवा सफा मरवा की सही करना तो ये उम्र के तीन अरकान हैं जिनकी अदायगी ज़रूरी है कोई रुकन छूट गया तो उम्र आपका दुरुस्त नहीं होगा उम्र के वाजिबात जो हैं वो दो हैं कितने हैं उम्र के दो वाजिबात हैं पहला वाजिब ये है कि मीकात से एहराम बांधना मीकात से एहराम पहनते हुए गुजरना एहराम की दो सफ़ेद चादरें और औरतों का जो बताया उनका वही नार्मल जो आम ड्रेस पहनती हुई उनका लिबास वही हैराम हो जाएगा तो उसको पहन करके मीकास से गुजरें और दूसरा वाजिब यह है कि सर के बाल को सफ़ा मरवा की सही से फारिग होने के बाद सर के बाल को पूरे तौर से हलक करा दिया जाए मुडा दिया जाए मर्द हजरात या ये है कि सर के बाल को मर्द हजरात पूरे तौर से कटवा लें और औरतों के लिए उंगली के एक पोर के बराबर जो उनकी चोटी होती है उंगली के एक पोर के बराबर एक इंच वो कटवा लेंगी काट लेंगी वही उनका कसर हो गया ये दो वाजिब हैं अगर इनमें से कोई वाजिब छूट जाए तो इस पर क्या है इंसान दम देगा और ये जो कमी हुई है उसका उम्र दुरुस्त हो जाएगा बसा अवत ये चीज़ होती है कि इंसान सफ़र हज या उमरा का सफ़र पे गया हुआ है और यह कि उसको पता नहीं था और यह कि सोचा कि जब हम जद्दा पहुँचेंगे तो हम एयरपोर्ट पे हराम बांध लेंगे और जब जद्दा पहुँचा वो हराम पहनने लगा जो और हाजी थे अरे भाई आप उम्रा करेंगे आप हज के लिए आए हाँ जी तो यहीं से पहन लेते नहीं भाई आपको तो मिकास से पहनना था अब उसके लिए क्या है उसको दम देना है तो ये आपने उमरा के अरकान सुन लिए उम्र के वाजबात सुन लिए अब उम्र के कुछ सुनन हैं जैसे उम्र की सुन्नतों में से ये है कि आप जब तवाफ़ करें तवाफ करने से पहले यह है कि आप इस्तेबा है इस्तेबा यानी कंधा ये सातों चक्करों में दाहना कंधा खुला रहे रमल है रुकने मानी हजरे उसद के बीच में रब्बना अतना पढ़ना है इसी तरीके से सफ़ा पे चढ़ते हुए दुआ पढ़नी है मरवा पे दुआ पढ़नी है ये सब क्या है ये सनन है अगर इसमें से कोई चीज़ छूट जाए तो उसके छूटने पर ना दम है ना कोई और चीज़ है और इन आपका उम्र दुरुस्त होगा लेकिन यह है कि जानबूझ करके उसको ना छोड़ें लेकिन अगर कभी कुछ छूट गया किसी चक्कर में आप नहीं पढ़ सके तो उस पर तो कोई ज़्यादा रंजो मलाल करने की ज़रूरत नहीं है कितनी बात समझ में आ गई अब इसके बाद में हम उम्रा का तरीक़ा आपको बताते हैं उम्र का तरीक़ा ये है कि मिकास से आपने उम्रे की नीयत कर ली अब आप अपने रूम या अपने होटल में पहुँचेंगे आपका साजो सामान वहाँ रख दिया जाएगा फिर यह है कि आप वहाँ से बावजू हो करके आप हरम के लिए रवाना होंगे खाने काबा में आप जाने के लिए रवाना होंगे और जाहिर सी बात है कि मीका से अब मर्द हजरात तलबिया बलंद आवाज़ से पढ़ते रहेंगे पढ़िए आप लोग लब्ब कल्लाब्बिक लब्बिकला शरी कलक्ब इनद वनच लक मुल्क ला शरीक लक मर्द हजरात बलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ते रहेंगे सहाबे कराम के जो अकवाल हैं या उनके अफ़ाल हैं कि हम लोग इतनी ज़ोर से तलबिया पढ़ते थे कि आसमानी आवाज़ गूंज उठती थी और हमारे हाजी जो जाते हैं वो फ्लाइट में सो जाते हैं उनको कितनी भी रगबत दिलाओ लेकिन वो पढ़ने के लिए बंदे तैयार नहीं ओ हुए हैं तो मुरझाना किनको है दबी आवाज़ में किनको पढ़ना है औरतों को तो बेचारी तो ज़्यादा पढ़ती होंगी हमारे ख्याल से लेकिन जो मर्द हज़रा हैं वो मुरझाए रहते हैं तो क्या है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए कब तक जब तक कि हरम में आप दाखिल ना हो जाए हरम में दाखिल हो आपका तलबिया बंद हो गया तो आप बावजू होकर के हरम जाएँ हरम में दाखिल होते हुए जैसे आम मस्जिदों में दाखिल होते हुए आप दाहना पैर रखते हैं आप हरम में भी दाखिल होते हुए दाहना पैर रखें और बसमल वसलासलम रसोल्ल आबूआ बरहतिक ये दुआ पढ़ें आम मस्जिदों में जब आप दाखिल होते हैं तो आप दो तहतुल मस्जिद पढ़ते हैं ना लेकिन हरम में दाखिल हो रहे हैं किसी नमाज का वक्त नहीं है आपको मस्जिद नहीं पढ़नी है आपको सीधे मताह में पहुंचना है और वहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करना है किसी नमाज का वक्त हो गया फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो गया एकामत है हो चुकी आप जाइए फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ लीजिए फिर तवाफ शुरू कीजिए जब आप मताह में पहुंचेंगे तवाफ शुरू करने के लिए तो ये है कि हजर असवद आपके बाएं साइड में होगा दाहिने साइड में आप देखेंगे कि दीवार पे ग्रीन ट्यूब लाइट लगी हुई है कभी आप पहुँचेंगे भीड़ कम होगी कभी ज़्यादा भीड़ होगी तो ऐसी सूरत में हजर असवद जो है वहाँ से तवाफ आपका शुरू होगा और हजर असवद भी कभी भीड़ की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता है तो आप ये देखें कि उस कोने पर एक सिक्योरिटी एक पुलिस वाला रस्सी पकड़ करके खड़ा है आप समझे जहाँ वो पुलिस वाला खड़ा है उसी के नीचे वह हजर असवद है ये भी एक अलामत है कि भीड़ में वह हजर असवद नज़र नहीं आता है और राइट में आप देखें कि ग्रीन ट्यूबलाइट आपको लगी हुई है तो अब आप हजर असवद आपके लेफ्ट साइड में राइट में आपको ये ट्यूबलाइट ग्रीन नज़र आ रही है यहाँ हजर असवद अब यहाँ पहुँच के मर्द हजरात जो हैं वो दाहना कंधा खोल लें ये जो आप चादर ओढ़े हुए हैं चादर को दाहने कंधे के नीचे से निकाल करके बाएं कंधे पे डाल लेंगे तो ये दाहना कंधा खुल जाएगा इसको क्या कहते हैं अजतबा और ये दाहना कंधा ये तवाफ़ के सातों चक्कर में खुला रहेगा शुरू से लेकर तवाफ़ के ख़त्म होने तक ये सातों चक्कर में ये आपका दाहना कंधा खुला रहेगा शुरू के तीन चक्करों में आप रमल करेंगे रमल क्या है कि छोटे छोटे कदम उठाते हुए कंधे को हिलाते हुए आप चलिए जिसको दुलकी चाल कहा जाता है ये रमल और ये रमल और इस्तेबा ये दोनों किन के लिए है मर्द हजरात के लिए औरतों के लिए नहीं है रमल जो है ये शुरू के तीन चक्करों में होगा अब आप तवा शुरू कर रहे हैं हजरे असवद आपके बाएं साइड में है दाहिने साइड में दीवाल पे आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है आप दाहिना हाथ उठाइए और कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह बसमिल्ला अकबर कितनी बार एक बार कि पांच बार सिर्फ एक बार एक बार बसमिल्ला अकबर एक बार इस हाथ को चूमना नहीं है ना कुछ करना है बिसमिल्ल अकबर एक बार यहाँ से तवाफ शुरू कीजिए हजर सद से जब आप तवाफ़ शुरू करेंगे हजर तवाफ़ शुरू करते करते हजर स्वद से पहले जो कोना पड़ता है उसको रुकने यमानी कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है रुकने यमानी मिसाल के तौर पर यह हजर अशद है इससे पहले यह कोना है रुकने यमानी तो हजर सद से आपने तवाफ शुरू किया और उधर हतीम से होते हुए जब रुकन अमानी पे पहुँचे यहाँ तक कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं आप कुरान करीम की तलावत कर सकते हैं ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं नबी वसल्लम से साबित शुदा जो दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं अपनी जुबान में अपने लिए अपने दोस्त अहबाब के लिए आलोलाद के लिए सारे मुसलमानों के लिए जो खैर की दुआएं मांगना चाहें मांग सकते हैं कोई ख़ास साबित नहीं है रुकने मानी पहुँचेंगे रुकने मानी से हजर असवद के बीच में आपको क्या कहना है रब्बना आ चिना दुनिया हसना व फिल आख़िरत हसना वकीना आ बनना हजर असवद पे पहुँच गए आपका एक चक्कर पूरा हो गया इस तरीके से सातवां चक्कर आपका कहाँ पे पूरा होगा हजर असवद पर शुरू के तीन चक्करों में रमल चलेंगे चौथा चक्कर जब शुरू होगा तो रमल आप बंद कर देंगे इस बीच में अगर नमाज का वक्त हो जाता है तो आप नमाज के लिए आप सब बंदी कर लीजिए नमाज पढ़ लीजिए और वहीं से फिर आप अपना तवाफ जारी कीजिए अगर नमाज का वक्त हो गया तो नमाज के लिए आप दाहना कंधा ढक लेंगे इसलिए कि दाहिना कंधा खुला रहेगा तो आपकी नमाज नहीं होगी नमाज से फारिग होने के बाद दाहना कंधा आप खोल लीजिए सातवां चक्कर आपका हजर असुद पे पूरा हो गया अब यह है कि व तख दो मक़ाम इब्राहिम मसल मकाम इब्राहिम को जाए नमाज़ बनाइए वहाँ नमाज, नमाज पढ़िए लेकिन भीड़ है ना सही से रुकू कर पा रहे हैं ना सजदा कर पा रहे हैं ऐसी सूरत में जहाँ कहीं हरम में आपको ख़ाली जगह मिले कि जहाँ आप दो रक़ात नमाज सुकून के साथ उसके अरकान और वाजिबात की अदायगी सही ढंग से कर सकें कहीं भी हरम में इतमान से वो दो रकात तहि तवाफ़ आप पढ़ लीजिए तवाफ़ की दो रकात जो नमाज पढ़ेंगे पहली रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य काफरून कलियाई हलका और दूसरी रकात में सूर्य फातिहा के बाद सुर अखलासल्लु वहद पढ़ना मसनून है किसी इंसान को अगर ये दो सूरतें नहीं याद हैं तो जो भी सूरत याद हो उसे भी पढ़ सकता है अब इसके बाद में अगर इंसान का वज़ू टूट गया तो सफा मरवा की सही के लिए वजू होना ज़रूरी नहीं उसके लिए वजू नहीं है अब इसके बाद जाइए आप समझो वगैरह पीजिए नोट फरमाइए और फिर अब वहाँ से आप सफा मरवा की सही के लिए जाइए सफा मरवा की सही के लिए जाइए सफा मरवा की सही, सही सा पहाड़ी पर जब आप चढ़ते हुए सफ़ा पर जाएंगे तो आप यह दुआ इन सफ़ा वमर व तमिन श्ला फ़मन हजल बैता तम फ़ला जुना हई फ़ला जुना हर इकोफ़ व माँ वमन तरन फ़ान् शाक्रलीम अब दिमा भजाल्लि तो ये है कि यह दुआ आप पढ़ लीजिए वहाँ बोर्ड पर भी ग्रीन बोर्ड पर भी ये क़ुरान करीम की आयत लिखी हुई है अब सफ़ा पहाड़ी पे जब आप चढ़ गए ऊंचाई पर वहाँ पर अगर ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो पत वो पहाड़ है वहाँ पे और अगर सेकंड फ्लोर पे जो राउंडिंग है वहाँ पे पहुँच गए किबला रुख हो के इस दुआ को तीन बार पढ़िए अल्लाह अकबर अल्लाकबर अकबर अल्ला अल्ला ला अला वह जह ला शरीक लमल्क वलम यूहीमीत व अलाकल कदीर ला الله अनज़ा أنجز व ونصر अब्दा وهزم الأحزاب बहदा इस दुआ को आप तीन बार सफ़ा पहाड़ी पर रुख होकर के पढ़ेंगे सफ़ा से आप मरवा जाएंगे सही शुरू करेंगे सफ़ा से मरवा ये सात चक्कर आपको लगाना है लेकिन फ़र्क रहे वो ये कि आपने जब तवाफ शुरू किया था तो तवाफ़ हजर असवद से आपने शुरू किया था और हजर स्वद पर पहुँचे थे तो आपका ये एक चक्कर पूरा हुआ था लेकिन सफा मरवा का मामला उसके बरक्स है सफा पहाड़ी से आप सही शुरू करेंगे मरवा पे पहुँचेंगे एक चक्कर हो जाएगा मरवा से सफा आएंगे दो हो जाएगा सफा से मरवा जाएंगे तीन सातवां चक्कर आपका कहाँ पूरा होगा मरवा पे हमारे बाद भाई थोड़ी गलती कर जाते हैं कि जैसे खान काबा का तवाफ किया था हजर शुरू किए हजर रे आगे पहुँचे एक चक्कर तो ऐसे सफा मरवा भी की कर लेते हैं कि सफा से शुरू किए और मरवा से लौटते हुए सफा पे पहुँचे तो एक शुमार करते हैं तो वो सात नहीं वो क्या हो जाता है चौदह हो जाता है और थक थका के चूर हो जाते हैं तो ऐसा ना किया जाए सफा से शुरू करेंगे मरवा पे एक चक्कर सफा से जब आप मरवा के लिए जाएंगे, मरवा जाते हुए ये ग्रीन लाइट छत पे ग्रीन लाइट लगी हुई है जब छत पे देखेंगे तो थोड़ी दूर में ऐसे लटका हुआ है उस पर ग्रीन लाइट लगी हुई है उस ग्रीन लाइट के नीचे मर्द हजरात को ज़रा तेज़ चलना है औरतों को तेज़ नहीं चलना है। हमारे बाद भाई होते उनको भी पकड़ के उनको भी दौड़ाते हैं अरे भाई उनके लिए अम्मा हाजरा दौड़ी थी वो काफ़ी हो गया अब सिर्फ मर्दों को दौड़ना है उन खुतिन को नहीं दौड़ना नहीं तेज़ चलना है उनको छोड़ दो धीरे धीरे आएंगी आप ज़रा तेज़ चल के आगे रुकिए उनका इंतज़ार कीजिए तो उसके नीचे मर्दों को ग्रीन लाइट के नीचे तेज़ चलना है सफा से मरवा जाते हुए कोई ख़ास दुआ नहीं है आपकी मर्जी आप, आप तलावत क़ुरान करें आप जिक्र जिक्रोजगार करें आप आम दुआएं करें जो भी लेकिन कोई ख़ास दुआ नहीं है मरवा पे पहुंचेंगे मरवा पे भी किबला रुख होकर के वही दुआ जो आपने सफ़ा पे तीन बार पढ़ी है वही दुआ मरवा पे भी पढ़ेंगे एक चक्कर हो गया अब मरवा से आप सफा जाएंगे फिर ग्रीन लाइट मिलेगी उसके नीचे मर्द हजरात को तेज़ चलना है सफा पे पहुंचेंगे ये दो चक्कर हो गया सफ़ा पहाड़ी पर भी वही दुआ इस तरीके से ये दुआ सफा मरवा पे आपको पढ़ना है सातवां चक्कर आपका मरवा पे पूरा हो जाएगा अब सफ़ा मरवा की सही हो गई अब तीसरी चीज़ जो बाकी बची वो ये है कि अपने सर के बाल को आप छिला लें सर के बाल का छिलाना ये अफजल और बेहतर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार ये दुआ की रहम अल्लाहुल मुहल्लकीन कि सर के बाल छिलाने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत हो तीन बार आपने दुआ की जब चौथी बार आपसे पूछा गया और सर के बाल कटाने वालों तो आपने कहा उन पर भी अल्लाह की रहमत हो तो इससे मालूम ये हुआ कि सर के बाल का मर्दों को छिलाना अफजल और बेहतर है वो काम कर लीजिए और अगर नहीं सर के बाल को किसी वजह से आप कटाना चाहते हैं तो आप सर के बाल कटवा भी सकते हैं लेकिन कैंची सर के पूरे बालों पर चलनी चाहिए मर्द हजरात के लिए क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कि बाद वो लोग रहते हैं वहाँ जो दो चार बाल को इधर उधर से काट लेते हैं और कहते हैं कसर हो गया वो कसर नहीं है वो कसर के साथ खेल है औरतें जैसा कि मैंने बताया वो जो चोटी है उसके लास्ट से उंगली के एक पोर के बराबर काट लेंगे उनका कसर हो गया अब ये चीज़ें करने के बाद में अब ये उम्र ख़त्म हो गया रूम पे जाएं नहा धो लें और अहराम खोल दें अराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई तो ये उम्र का एक सीधा साधा तरीका आपके सामने बयान किया गया उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी अब इसके बाद में हज क्योंकि हज तमक्व करना है आप उम्र से फारिग हो गए अब दो दिन चार दिन छः दिन दस दिन बीस दिन जो भी बचा हुआ है आप की पाबंदियां ख़त्म हो गई अब इसी को कहते हैं कि इंसान फ़ायदा उठा रहा है अहराम की पाबंदियां नहीं हैं तो बहुत सी सारी चीज़ें जो एहराम की हालत में मना थी अब वो पाबंदियाँ ख़त्म हो गई तो उसका फ़ायदा इंसान उठा रहा है ना इसीलिए इसको हज तमत्तो कहा जाता है अब यह है कि आठ तारीख की सुबह को जिसे यौमु तरविया कहा जाता है जिसे यौम तरविया कहा जाता है जो जहाँ कहीं आपको आपके होटल में ठहराया जाएगा चाहे वो अजीज़िया हो रोसेफा हो कहीं भी मक्का में जहाँ कहीं आपका टूर या आपके टूर के ज़िम्मेदारान ने जो आपके लिए होटल या बिल्डिंग सेट की है वहाँ पे आप हैं आठ तारीख को मसनून ये है कि सुन्नत ये है कि आठ जिलह को सूरज के तुलु होने के बाद सूरज के निकलने के बाद इंसान अपनी बिल्डिंग से अपने होटल से नहा धो करके केराम पहन करके गाड़ी में सवार हो और वहाँ से सवार होते हुए वो हज की नीयत करे अल्लाह मलबै हजन ये आठ तारीख की सुबह को सूरज निकलने के बाद लेकिन चूँकि भीड़ भाड़ आज के वक्त में ज़्यादा होती है ख़ास तौर से हज कमेटी से जो हमारे भाई जाते हैं वो बसें रात ही में यानी आठ तारीख की जो रात होती है रात ही में दस ग्यारह बजे बसें उनको मिना ले जाना शुरू कर देती हैं तो भीड़ भाड़ में अगर आपको रात ही में आपका ज़िम्मेदार ले जा रहा है बसों को तो जाने में कोई हर्ज नहीं है आप उसी वक्त बस में सवार होइए नहा धो कर केराम पहन करके और आप हज की नीयत कर लीजिए जब आठ तारीख को आप मीना में पहुँचेंगे तो आठ तारीख योम तरबिया का है अब आठ तारीख को आपको जहर असर मगरिब ऐशा और इसी तरीके से नौ तारीख़ की फजर ये पांच नमाज़ें मसनून ये है कि आप अपने खेमे में पढ़ें और हर नमाज़ को उसके वक्त में पढ़ें और रुबाई नमाज़ें जो हैं उसको कसर पढ़ें जैसे जहर है असर है ऐशा है ये रुबाई नमाज़ें यानी चार रकात की हैं तो चार रकत की तरह पर आप दो रकात पढ़ें कसर पढ़ें और हर नमाज को उसके वक्त पे पढ़ें क्यों पढ़ेंगे आप इसलिए कि हमारे और आप और सारी कायनात के नबी मोहम्मद अरबी वसल्लम ने कसर ही की थी कसरी की थी और अल्लाह के रसूल सल्लम हमें तालीम भी दी है खुजो अन्नी मना कि तुम लोग हमसे तरीके हज सीख लो अल्लाह के रसूल वसल्लम हज के ये आमाल करते जा रहे थे और एक लाख से ज़ायद साहब कराम ने जो आपके साथ जिन्होंने हज किया उनको ये कहते जाते थे कि तरीक़ हज हमसे सीख लो मुमकिन है कि आने वाले साल हमारी मुलाक़ात तुमसे न हो तो हमारे और आपके नबी ने जो चीज़ की है वही हमको करनी है दुनिया क्या कर रही है वो चीज़ हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है दलील ये है कि अल्लाह का फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कि आपने किया क्या है ये चीज़ हमारे लिए दलील है तो हम ये चीज़ें वहाँ पे करें और बेजा तौर पर किसी से जंग वदाल बहस मुबासा ना करें आपके सामने कोई इंसान है उसको आपने हिकमत से भाई सुनत रसूल ये है ऐसा किया जाए मान लिया तो भि नेमत बड़ी अच्छी बात है नहीं मान लिया तो उससे बहस मुबासा करने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई आप जैसा समझें करें और मैं अपना कर रहा हूँ ये चीज़ होनी चाहिए अब यह है कि नौ तारीख को यानी अरफा का दिन जो में अरफा है नौ तारीख को अरफा के दिन सूरज तलु होने के बाद कुछ जाजे कराम को मिना से अरफात के लिए जाना है ये मसनून और सुन्नत है लेकिन वहाँ पे भी भीड़ का मसला है भीड़ की वजह से जो आपके टूर के या आपके जो जिम्मेदार होंगे काफ़िले के वो आपको 9 तारीख जिलहिज्जा की रात में 11 बजे 12 बजे 2 बजे जब बस आ गई उस वक्त आपको बस में बिठा देते हैं और मिना से अरफात के लिए रवाना कर देते हैं तो भीड़ भाड़ की वजह से जाने में कोई हरज नहीं है जब आप अरफात में पहुँचेंगे तो अरफात में जब आप पहुँचेंगे अरफात में अगर आप पहले पहुंच गए तो फजर की नमाज़ पढ़ लीजिए फ़जर की नमाज पढ़, पढ़ के थोड़ा आराम कीजिए जहर और असर की नमाज का जब वक्त होगा तो जहर और असर की नमाज ये दोनों नमाज़ें क्या हैं एक साथ पढ़ी जाएंगी जमा तकदीम जमा सलातैन यानी जिस भी ख़ैमे में आप मौजूद हैं वहाँ कोई है इंसान खुतबा वक्त की मुनासिबत से दे दे और आप जहर असर की नमाज़ पढ़ लें तो ठीक है और अगर आप मस्जिद नम्रा के करीब में हैं वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं तो वहाँ चले जाएँ लेकिन अपने अपने ख़ैमों में आप जहर असर की नमाज आप पढ़ लें जहर असर की नमाज जो पढ़ेंगे जहर ही के वक्त में आपको असर की नमाज भी पढ़नी इसको जमा तकदीम कहते हैं यानी वक्त से पहले असर की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं अजान होगी एकामत होगी एकामत के बाद में जहर की चार रकार नहीं दो रकार नमाज कसर पढ़ ली जाएगी फिर दूसरी एकामत कही जाएगी और दूसरी एकामत के बाद में असर की भी दो रकार नमाज पढ़ ली जाएगी अब इसके पढ़ने के बाद कुछ पी लीजिए और यह है कि आप जिक्र अस्कार में दुआओं में तोबा इस में अपने अवकात को सर्फ कीजिए अरफा के अंदर जो दुआ कसरत से इंसान को पढ़नी है ख़ैर दुआ दुआ वोम वो अरफ़ा व वो ख़ैरुमा कुल्त अना वनबी यू नबिन कब्ली ला वह जहू ला शरीक ला। लहु अला लहुल्क वल्हम व अलाकुल्ल सदीर अल्लाह के रसूल सलरमाया कि सबसे बेहतर दुआ यह अरफ़ा के दिन की दुआ है और वह दुआ जिससे मैंने भी पढ़ा है और मुझसे पहले भी अम्बिया कराम ने पढ़ा है तो ये दुआ है आम दुआएं आप कीजिए और कसरत से इस दुआ को भी बीच बीच में आप पढ़ते रहिए सूरज रूब हो गया सूरज गरूब होने के बाद सूरज डूबने के बाद अब यह है कि वहाँ भी ये होता है कि सूरज डूबने से आधा घंटा पहले ही बसों में जो आपके जिम्मेदारान होते हैं कैम्प के भाई हाजी चलिए 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 बैठिए बैठने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो बसें आपकी सूरज डूबने से पहले ये अरफात से नहीं निकलेंगी वहाँ बॉर्डर पे सिक्योरिटी मौजूद होती है जो किसी को चाहे वो पैदल चलने वाला हो सवारी पे चलने वाला हो वो रास्ता नहीं खोला जाता जब तक कि सूरज डूब ना जाए तो आप यह अपने टूर ऑपरेटर से उलझने की ज़रूरत नहीं है कि सूरज डूबेगा तभी निकलेंगे ये है वो है आप जाइए बस में सीट ले लीजिए जैसे आप खेमे में बैठे हैं बस में भी बैठ जाए कंडीशन चल रहा है वहाँ भी जुकार दुआओं में आप मसरूफ़ रहिए बेजा तौर पर में में करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसा कि हूजाज कराम उलझ जाते हैं क्या भी नहीं हुआ सूरज नहीं डूबा कैसे जाएंगे आप बेफिक्र रहिए बस आपकी वहाँ से हरकत नहीं करेगी जब तक कि सूरज डूब ना जाए बाडर वो खुलेगा ही नहीं सूरज के डूबने के बाद अब आप यहाँ से रवाना होंगे मगरिब और ऐसा की नमाज़ ये मैदान अरफात में नहीं पढ़ी जाएगी ये मगरब और ऐसा की नमाज़ ये जमा ताखिर होगी जमा बेन सलातैन और ये नमाज़ कहाँ अदा की जाएगी मुशलफ़ा में जब मुशलफ़ा में आप पहुँचेंगे चाहे वो आप नौ बजे पहुँचें दस बजे पहुँचें ग्यारह बजे पहुँचें बारह बजे पहुँचें जब भी आप पहुँचेंगे तो आपको पहले क्या नमाज़ पढ़नी है पहले एक कह करके आपको मग़रब की तीन रक़त पढ़नी है और उसके बाद में दूसरी अकामत कह करके आपको ऐशा की दो रकात नमाज पढ़नी है क्योंकि ये नमाज कसर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है ये नमाज़ आपको कसर पढ़नी है और ये कहाँ पढ़नी है मुजदरक़ा में अब इसके पढ़ने के बाद में आपको चाहिए कि आप वहाँ आराम करें हमारे बहुत से भाई वो पूरी रात वो नाफली इबादत और क्या क्या करने में लगे रहते हैं और उसके सिलसिले में बहुत सारी मौजू और ज़यीफ़ और मन घृणत रवायतें मुश्तलफ़ा की रात में इबादत करने की तरीक़े बयान की जाती हैं जो ग़ैर मशनूम है इसलिए कि आराम इसलिए करना है कि आपको दस तारीख को जो नहर है उस दिन आपको बहुत सारे काम करने हैं तो शरीय ने आपको हुक्म दिया है कि आप इन फ़र्ज़ नमाज़ों के पढ़ने के बाद आराम कीजिए आपको रिलैक्स की ज़रूरत है अब यह है कि वह लोग जो माजूर हैं मरीज़ हैं बीमार हैं तो ऐसा मसला है तो ऐसे लोग आधी रात मुज़दलफा में गुजारने के बाद वो मुज़दलफा से अपने खेमे मीना में जा सकते हैं लेकिन ये माजूर और मरीजों के लिए है आम लोगों के लिए हुक्म नहीं है आम लोगों के लिए है कि वो फजर की नमाज मुज़दलफा में पढ़ें फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिक्र अस्कार में मशगूल रहें रोशनी फैल जाए उसके बाद में मुज़दलफा से ये हजार कराम ये मिना अपने ख़ेमे के लिए रवाना हो अब जब आप अपने खेमे में पहुँचेंगे तो वहाँ आपके ख़ेमे और टेंट के जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो गाइड आपको देते हैं कि किस वक्त कंकरी मारने के लिए चलना है चूँकि उनको आइडिया होता है भीड़ कब होती है कब नहीं होती है उस हिसाब से उनके गाइड लाइंस के हिसाब से आप कंकरी मारने के लिए जाइए दस तारीख को कंकरी मारने का जो वक्त है ये सूरज के तुलू होने के बाद कंकरी मारने का वक्त शुरू हो जाता है और दस तारीख को जो कंकरी मारेंगे आप जमरे अखबा जो जिसे हम कहते हैं बड़ा शैतान जो मक्का से करीब में होता है जब आप मीना से जाएंगे कंकरी मारने के लिए तो पहले जमरे सुगरा है छोटा शैतान जिसे अपनी ज़ुबान में आप कहते हैं फिर उसके बाद में जमरे उस्ता है जिसको बीच वाला शैतान कहते हैं और उसके बाद में तीसरा जमरे अखबा है जिसको आप अपनी ज़बान में बड़ा शैतान कहते हैं तो कुर्बानी के दिन नोमुलहर को दस तारीख को दस धल्जा को आपको सबसे आखिरी जमरा को जिसे आप बड़ा शैतान कहते हैं जो मक्का से करीब में है उस शैतान को उस जमरा को आपको कंकरी मारनी है और कंकरी आप मुज़दलफा से कहीं से भी आप ले सकते हैं कहीं से भी जहां से आप चुनना चाहें अब यह है कि हुकूमत ने हाजियों की सहूलत के लिए मुज़दलफा के मैदान में काफ़ी कंकरियाँ डाल देते हैं ताकि वहाँ से वो लोग चुन लें वो तो कंकरियाँ तीनों दिन के लिए आप चुन लीजिए और यह है कि रख लीजिए है कि आप जाइए तो दस तारीख को जब जमरे अकबा को आप कंकरी मारेंगे सात कंकरियाँ होंगी और सात कंकरियाँ ये चने की दाल से थोड़ी बड़ी मटर जो है और उसको मारना है और सात कंकरियों को सात बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह हर कंकरी मारते हुए आपको अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अबर इस तरीके से सात कंकरियां आपको सात बार मारनी हैं वो जो राउंडिंग बना हुआ है उसके अंदर चला जाना चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पोल है उसी में लगे उसके अंदर चले जाना चाहिए तो ये सात कंकरी आपने मार ली अब उसके बाद में ये है कि कुर्बानी कर लें कुर्बानी के बाद में आप सर के बाल को छिला लें और सर के बाल छिलाने के बाद कसर के बाद में यह है कि आप तवाफ़ ज़ियारा कर लें अब अगर आप तवाफ़ ज़ियारा नहीं करते हैं आपने कंकरी मार दी आपने कुर्बानी कर ली सर के बाल छिला लिए एहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई ये तहल्ल असगर हो गया यानी छोटे तरीके से आप हलाल हो गए अहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं लेकिन एक पाबंदी की मियाँ बीवी अपने ताल्लत कायम नहीं कर सकते हैं हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं ये पाबंदी अभी बाकी है ये पाबंदी कब ख़त्म होगी जब आप खान काबा पहुँचेंगे और आप तवाफ़ इफादा कर लेंगे इफादा नहीं खान काबा का साथ तवाफ़ साथ चक्कर लगा करके और सफ़ा मरवा की सही कर लेंगे इसको कहते हैं तवाफ़ इफादा या तवाफ़ जियारा जब ये आपने कर ली तो तहल्ल अकबर हो गया यानी बड़े तरीके से आप हलाल होंगे अब अहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गईं हती कि आपकी बीवी भी आपके लिए जायज़ होगी उससे भी मियाँ बीवी अपने ताल्लुक कायम कर सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ तक ये यह बात हुई अब इसके बाद में ग्यारह और बारह और तेरह की रात ये तीनों रातें इंसान को मीना में गुजारना है मीना में खेमे में गुजारना है कोई इंसान अगर चाहे फमन तलफ़ी योमैनी फला इसमई कोई इंसान दो ही दिन में जल्दी से जाना चाहे बारह तारीख ही को कंकरी मार करके और मीना छोड़ना चाहे तो वो जा सकता है इसमें कोई गुनाह नहीं है और अगर तेरह को रुक करके जाए तो उसे तीन रात मीना में गुजारना होगा और तेरह को कंकरी मारने के बाद फिर वो मीना छोड़ सकता है ग्यारह और बारह या अगर आप तेरह को रुकते हैं तो 11, 12, 13 को कंकरी मारने का वक्त जो है वो वक्त जवाल शम्स के बाद शुरू होता है ये जवाल के बाद में और ये गुरूब शमस सत्ता की मज़ूरों के लिए ये रात में भी मार सकते हैं अब उसमें 11, 12 को या अगर 13 को भी आप रुक के जाना चाहते हैं तो तीनों जमरात को कंकरी मारनी है जमरे सुगरा को सात कंकरी जमरे उस्ता बीस वाले को सात कंकरी इसी तरीके से जमरे अखबार जो बड़ा शैतान जिसे कहते हैं उसको सात कंकरी यानी ग्यारह बारह और तेरह को ये इक्कीस इक्कीस कंकरियाँ ये मारनी होंगी इस तरीके से आपका ये काम भी हो गया अब इसके बाद में आखिरी काम जो आपका बचा वो क्या है तवाफ़ विदा तवाफे विदा तोाफ़ इदा ये वाजिबात हज में से है कि अगर कोई इंसान ना कर सके तो उसको दम देना पड़ेगा हाँ वो ख़ातून कि जिसको अभी जाने का वक्त है उसको और उसको यमसी का पीरियड शुरू हो गया है इसका खून आना शुरू हो गया तो उसके लिए तवाफ़ विदा माफ है वो बगैर तवाफ़ विदा किए हुए जा सकती है क्योंकि वो नापाकी की हालत में है और उस हालत में तवाफ नहीं किया जाएगा और ना करने के वजह से उसके ऊपर दम नहीं है लेकिन मर्द हजरात सुस्ती में या काहली में या भूल गए और चले गए तो उनको विदा ना करने पर दम देना पड़ेगा तो ये बातें थी जिनका ताल्लुक़ था कि हज तो हम कैसे करें और उसका तरीका आपके सामने बयान किया गया उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी और नहीं समझ में आई होंगी तो मौजूद हैं उनसे मजीद इस आप कर सकते हैं पूछ सकते हैं और ये ज़रूरी भी है अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि देखिए आज ये है कि जमीयत जमात की इस्लामिक सेंटरों की कोशिशें जारी हैं कि हर संडे को कहीं ना कहीं हज का प्रोग्राम रहता है रहता तो ही नहीं रहता है लेकिन आने वाले जो हज पे जाने वाले हैं वो 20 परसेंट आते हैं 80 परसेंट क्या है दावत खाने में तो आज तो दामाद क्या संडे को तो अगले संडे को बहनोई क्या है तो फिर खालू क्या है और जब वहाँ जाते हैं तो इनकी हालत देख करके मेरा तो कई सालों से मेरा आना जाना लगा रहता है मैं ख़ुद जहाज का काफ़िला लेकर टूर ऑपरेटर हूँ जाता हूँ तो देखता हूँ तो हालत देख करके रोना भी आता है और गु़स्सा भी आता है रोना भी आता है और ग़ुस्सा भी आता है रोना आता है कि इतने पैसे लगा करके ये चले आए हैं किस लिए आए हैं भाई आने का इनका मकसद क्या है पिकनिक है और गुस्सा आता है कि आखिर ये क्यों नहीं जगह जगह ये कैम्प लगाए जा रहे थे वहाँ इन्होंने क्यों नहीं सीखा क्यों नहीं तालीम हासिल की क्यों ऐसे चले आए ये बेरगबती की दलील है ना तो कहते हैं जैसी नीयत वैसी बरकत इसीलिए जब लौट के आते हैं ऐसे लोग तो हज का कुछ असर जाहिर होता है नहीं होता है कितने लोग कहते अरे बाबा हज करना अरे ऐसा हज तो ना जाने से बेहतर है तो ऐसे ही लोग होते हैं कि चले तो गए लेकिन जब हज हाँ सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं हुआ तो उसका कोई असर भी नहीं हुआ वो लौट करके आए तो जिस गलती और ख़ामी के मुरतक उससे और एक कदम आगे बढ़ गए तो आदमी कहता है भाई ऐसे हज से तो ना जाना बेहतर है तो इसलिए ज़रूरी है कि एक हाजी जो सफ़रे हज पे जा रहा हो ये दावतें खाना बंद करे। ये कहे कि भाई आज तरबियती कैंप है ये रूहानी गजादी दी जा रही है ये चार लाख में खर्च करके जा रहा हूँ तो आज हमको सीखना है कल मंडे है कल दावत खा लूँगा लेकिन आज नहीं आऊँगा ये ये अहम है ये रूहानी ये रूह को गजादी दी जा रही है ये उस गज़ा से बेहतर है बिरयानी मुर्ग मुसल्म से ये ज़रूरी है वो तो कहीं भी मिल जाएगा लेकिन पहुँचेंगे हम मीना में और तवाफ करते हुए वहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी हम किससे क्या पूछेंगे तो ये गजा हमारे लिए ज़रूरी है इसलिए संडे को छोड़ के दावत खिलाए संडे को नहीं आ पाऊँगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए ज़रूरी है कुछ तो जार कराम के लिए कि जाने से पहले इन प्रोग्राम में मैं शरीक हूँ हज की किताबें पढ़ें और साथ ही साथ में हलाल माल उसको ले करके जाएँ नीयतों के अंदर खुलूस हो अल्लाह की खुशनुदी के खातिर हज करें ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसका इंसान को ख्याल करना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारा ताला हम तमाम लोगों को इसकी अता फरमा हमारी दुआ उन जा कराम के लिए है उन भाई बहनों के लिए है जो सफ़रे हज का इरादा कर चुके हैं और हज के जो इजरात हैं जो कार्रवाइयाँ हैं कम्प्लीट हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में वो सफरे हज के लिए रवाना होने वाले हैं अल्लाह ताला तमाम भाई बहनों के सफ़र को आसान फरमाए और यह है कि सेहत व आफियत के साथ रखते हुए उन्हें हज के अरकान और आज़बात की अदायगी की तोफ़ी कदा फरमाए और हमारे वो भाई जो हज नहीं कर चुके हैं उन भाई बहनों के लिए भी मुझ खाकसार की ही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताल उन तमाम भाई बहनों को और हर मर्द मोमिन को अल्लाह तबारक ताल हरमेन की ज़्यारत की तोफ़ी दा फरमा और उन्हें हज उम्रा कीदत से बहरावर होने की तोफ़ी तरमा व सल नबी महम्मद वाल ही वहब ही वसलम वसलमकु वरम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला